नमस्कार, सुमन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी तिल गुड़ के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करेंगे और पैन रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो तिलों को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब ये अच्छे से फूल गए हैं और चटक भी रहे हैं, तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम पैन में 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम कसा हुआ गुड़ और इसे भी लो फ्लेम पर चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो जितने हमें तिल लेने हैं, हमने यहाँ पर 200 ग्राम तिल लिए हैं, तो 200 ग्राम ही हमें गुड़ लेना है। और गुड़ को आप इस तरह से कसकर ही ऐड करें। अगर हम कसकर ऐड करते हैं तो गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाता है और ये बहुत देर तक हमें इसको पकाना नहीं पड़ता। अगर हम इसे बहुत देर तक पकाते हैं तो लड्डू जो हैं कड़क बनते हैं। तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट ही पकाना है। बस जैसे ही गुड़ में एक हल्का सा उबाल आ जाएगा तो हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो गुड़ को पकते हुए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि हल्का सा उबाल भी आ गया है। तो इससे ज़्यादा हम गुड़ को नहीं पकाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने तिल रोस्ट किए थे और इन्हें मिक्स करेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। और इसे बस अब हमें मिक्स करना है। और अब हमने गुड़ और तिल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसे इसी स्टेज पर ऐड करना है। पहले डाल देते हैं तो इसकी खुशबू जो है वो उड़ जाती है। तो इसे बस अच्छे से मिक्स करें और इसे हम फटाफट चलाते हुए मिक्स करेंगे। और अभी गैस जो है वो स्विच ऑफ है। तो तिल गुड़ को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी ये मिश्रण गर्म है और हमें गर्म गर्म में ही इसके लड्डू बनाएंगे। अगर बाद में बनाते हैं तो ये कड़क हो जाता है और लड्डू बनते नहीं हैं। तो बहुत गर्म है मिश्रण, तो इसलिए हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और पानी इस तरह से अपने हाथ पर लगाएंगे। और थोड़ा सा मिश्रण जितने बड़े आपने लड्डू बनाने हैं उतना अपने हाथ में ले। और बहुत गर्म है ये, ज़रा ध्यान से करना है। तो लड्डू बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हल्के हाथ से इन्हें हमें प्रेस करना है। ज़्यादा दबाव देंगे तो लड्डू अंदर से कड़क हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पसंद अनुसार बड़े या छोटे लड्डू बांध लेंगे। तो लड्डू आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट गोल है। तो हमने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए, बहुत ही टेस्टी बने। बस लड्डू बनाते समय ध्यान रखें कि गुड़ को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बस 3 से 4 मिनट हम गुड़ को पकाएंगे, तिल को मिक्स करेंगे अच्छे से और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे और टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो आप भी बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।